अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो माय डियर चिल्ड्रेन, टुडे आई टीच यू हिंदी, एंड हिंदी वी विल लर्न अ न्यू टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। बिफोर द टॉपिक आई विल टेल यू अ स्टोरी, सो प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए, ये है अली, एक लड़का है। अब अली ने अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाया कि मेरे घर आइए और मेरे साथ खेलिए। तो उनके फ्रेंड्स फैज़, हुज़ैफ़ा और ज़िक्रा उनके घर आ गए उनके साथ खेलने के लिए। अब उन्होंने बहुत सारे खेल खेले, जैसे क्रिकेट, छुपा छुपी, और फिर उन्होंने साइकिल भी चलाई। अब वो लोग थक गए, उन्हें लगा कि कुछ खाना चाहिए। फिर उन्होंने बहुत सारे चीज़ें खाई। अब उन्होंने ये सब चीज़ें खा ली। अब सबके घर जाने का टाइम आ गया। फैज़, हुज़ैफ़ा और ज़िक्रा अपने अपने घर चले गए। अब ज़िक्रा अपने घर गई और उन्होंने अपने बड़े भाई को बताया कि उन्होंने अली के घर पे क्या क्या किया। तो ज़िक्रा ने सबसे पहले कहा कि हम अली के घर गए, अली के घर पर हमने बहुत सारे खेल खेले, अली के घर पर हमने क्रिकेट खेला, अली के घर पर हमने छुपा छुपी खेला, अली के घर पर हमने साइकिल चलाई, और फिर अली के घर पर हमने बहुत सारी चीज़ें खाई। फिर बाद में मैं अपने घर आ गई। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ज़िक्रा जो है बार बार अपनी बातों में अली का नाम ले रही है। तो क्या कोई आसान तरीका है जो वो बार बार अली नहीं कहें और बात लगे भी ये कि उन्होंने अली के लिए कही है? तो चलिए आज मैं आपको वो आसान तरीका बताती हूँ। ज़िक्रा चाहे तो ये भी कह सकती हैं कि हम पहले वो बताएं कि हम अली के घर गए। हम कौन? फैज़, हुज़ैफ़ा और ज़िक्रा, ये लोग अली के घर गए। फिर ज़िक्रा कहे कि उसके घर पर हमने बहुत सारे खेल खेले, उसके घर पर हमने बहुत सारी चीज़ें खाई। हमने कौन कौन? फैज़, हुज़ैफ़ा और ज़िक्रा। तो हमने बार बार इन लोगों का नाम नहीं लिया और हमने कुछ और शब्द यूज़ किया। तो वो शब्द क्या हैं? तो आज हम वही पढ़ेंगे कि उन शब्दों को क्या कहते हैं और वो शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हैं। तो वो शब्द जो ज़िक्रा ने अली के लिए प्रयोग किए थे, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन, सर्वनाम होते हैं प्रोनाउन। हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा, अप्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं, जैसे यह, वह, वे, मैं, मेरा, उसकी, उसका आदि। तो स्टूडेंट्स, रिपीट वन मोर टाइम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे, मैं, मेरा, उसकी, उसका आदि। सर्वनाम का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। स्वयं के लिए, स्वयं के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? स्वयं यानी खुद के लिए, मैं, मेरा, मुझे, मैं कल जाऊंगा, ये मेरा बस्ता है, मुझे कल छुट्टी चाहिए, ठीक है? तो ये सब हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। अन्य के लिए, किसी दूसरे के लिए, वह, उसका, उसे, वह कल नहीं आएगा, उसका घर बहुत दूर है, उसे कल छुट्टी चाहिए। निकट के लिए, निकट, पास के लिए, ये, उसका, उसे, निकट,
जो हमारे पास होते हैं उनके लिए हम यह उसका उसे प्रयोग करते हैं। स्वयं से छोटों के लिए, जो हमसे छोटे होते हैं उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए? निकट के लिए यह इसका इसे, निकट जो हमारे पास लोग होते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं यह इसका इसे। स्वयं से छोटों के लिए, जो हमसे छोटे बच्चे या हमारे भाई बहन होते हैं उनके लिए हम तुम, तुम्हारा, तुम्हें प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कल कहाँ थे। स्वयं से बड़ों के लिए, जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हम आप, आपका, आपने प्रयोग करते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम भी होते हैं, जैसे कौन, कोई, किसको, कौन आया है, कोई तो मुझे बता दो, ये कागज किसको दूं। सो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ सर्वनाम, सर्वनाम जो सब सबके लिए प्रयोग होते हैं। तो ये है सर्वनाम की परिभाषा और ये है सर्वनाम किस प्रकार प्रयोग में आते हैं।